हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। सिंगल एंट्री मोड की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहां पर अकाउंटिंग ब्राउजर आपको दिख रहा होगा, मैं अभी गेटवे ऑफ टैली पर हूं, मींस कि ये मेन मेन्यू है टैली का। और यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है अकाउंटिंग ब्राउजर, तो यहां से वी हाईलाइट है रेड कलर में, तो हमको कीवर्ड कीबोर्ड से केवल वी प्रेस करना है। और जैसे ही वी प्रेस करेंगे हम, तो हम सीधा, अगर मैं वी प्रेस करता हूं तो सीधा मैं बाउचर में एंटर हो जाता हूं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हम एक्टिवेट करने के, अब लाइक मान लीजिए हम कंट्रा बाउचर में जाते हैं तो F4 प्रेस करना होता है। अब ये देखिए, ये हम सिंगल एंट्री मोड में, कैसे पता कि सिंगल एंट्री मोड में है? अगर आप कीबोर्ड से फंक्शन बटन F12 प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई पड़ता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर, अब ये देखिए ये लिखा हुआ है पेमेंट, ठीक है, रिसिप्ट और कंट्रा। यानी कि आप सिंगल एंट्री मोड का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो पेमेंट, रिसिप्ट और कंट्रा बाउचर में करते हैं। तो ये यस है और डेबिट क्रेडिट को नो किया गया है, ठीक है। और अगर मैं इसको कंट्रोल ए करता हूं तो यहां पर देखेंगे कि कंट्रा बाउचर जो है सिंगल एंट्री मोड में आपको दिख रहा है। इसी तरीके से F5 प्रेस करेंगे तो हम आ जाते हैं पेमेंट बाउचर में, ये भी सिंगल एंट्री मोड है। और इसके बाद हम रिसिप्ट बाउचर में जाना चाहते हैं, F6 प्रेस करते हैं तो ये भी सिंगल एंट्री मोड में दिख रहा है। लेकिन अगर हम परचेज बाउचर में जाते हैं F9 प्रेस करके या यहां पर क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपको पर्टिकुलर दिखाई पड़ेगा जो कि नेम ऑफ आइटम आता था, जबकि आप आइटम इनवॉइस मोड में रहते थे तो यहां पे नेम ऑफ आइटम आता था। तो ये जो है एक्चुअल में ये सिंगल एंट्री मोड ही है। और कभी कभी परचेज में भी आपको इस तरह के मोड का यूज करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसे ही सिंगल एंट्री मोड कहते हैं। डेबिट क्रेडिट यहां पर आपको नहीं दिखेगा, नहीं टू बाई दिखेगा, ठीक है। सेल्स बाउचर में हम जाएंगे, सेल्स बाउचर में तो भी हमें पर्टिकुलर ही दिखेगा, ठीक है। यही सिंगल एंट्री मोड है, यूज ही होता है ये केवल कंट्रा पेमेंट और रिसिप्ट के लिए, ठीक है। तो इसे सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं और इसका यूज हम रिसिप्ट, कंट्रा और पेमेंट बाउचर में ही करते हैं, ओके।